सुभाष नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 7 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 24,000 लीटर फ्रेश माल्टा किया बरामद। बरेली एसएसपी रोहित सजवाल के निर्देश पर थाना सुभाष नगर जनपद बरेली पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 7 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 24,000 लीटर फ्रेश माल्टा स्प्रेमय एक अदद टैंकर नंबर यूपी 15BT5931 व इको गाड़ी नंबर है यूपी 25CP6524 एवं 4870 रुपए बरामद किए हैं। इन सभी 7 अभियुक्तों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की छापामारी के दौरान एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के अंतर्गत में सीओसीटी सेकंड के कुशल निर्देशन में थाना सुभाष नगर की टीम के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अपराधियों की धरपकड़ हेतु जगह जगह पर चेकिंग की जा रही थी। जिस चेकिंग के दौरान में एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि जेल रोड के पीछे टैंकर से कुछ लोग कुछ निकाल रहे हैं। उस सूचना पर यकीन करते हुए सुभाष नगर की टीम मौके पर पहुंची तो इन्होंने पूछा कि आप क्या निकाल रहे हैं, तो पता लगा कि वो फ्रेश माल्ट स्प्रिट है। और मौके से 7 लोग बरामद हुए। एक जो ड्राइवर था वो मौके से भागने में सफल रहा। गहन पूछताछ जब की गई तो पता लगा कि ये रामपुर डिस्टिलरी से सामान हैदराबाद के लिए जा रहा था और ड्राइवर जो था उसकी विधि भगत के लोग वहाँ से चोरी कर रहे थे। 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सुभाष नगर को सुसंगत धारा में मुकदमा तंजीद कर लिया गया है और इनको जेल भेजा जाएगा। हम ये जानकारी कर रहे हैं कि इस तरीके की पहले भी क्या कहीं कोई घटना हुई है या और कौन कौन से लोग इस चेन में शामिल है, इसकी भी गहन पूछताछ की जा रही है और इसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। बरेली के थाना सिरोही के बसंतपुर गांव का रहने वाला 26 वर्षीय प्रेमपाल पुत्र पूनन लाल मनासा क्षेत्र के बिलवा ईट के भट्टे में मजदूरी का कार्य करता था। अपने साथियों की बाइक से कहीं जा रहा था तो वहीं मानपुर के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि 2 लोग बाल बाल बचे और प्रेमपाल की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मचने लगा। मृतक की पत्नी नीरज का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की एक बेटी भी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक की टक्कर में युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली के थाना फरीदपुर के गांव रायपुर का रहने वाला 21 वर्षीय प्रेमलाल पुत्र भगवान दास बाइक से ससुराल जा रहा था। मानपुर के पास टेम्पो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका उपचार चल रहा है। बहेड़ी में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए भाजपा सांसद वरुण गांधी ने दिए 5 ऑक्सीजन स्टेटर और 30 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। बोले, अगले सप्ताह आवश्यक दवाइयों व इंजेक्शन की खेप लेकर आएंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पीलीभीत के स्वास्थ्य विभाग को 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने खर्च पर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में आने वाले बहेड़ी को 5 ऑक्सीजन स्टेटर और 30 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप लेकर भाजपा सांसद मंगलवार को दिल्ली से पीलीभीत पहुंचे। पहले वे बहेड़ी गए। सांसद वरुण गांधी ने कहा, ऑक्सीजन की किल्लत दूर होने तथा राहत भरी सूचनाएं मिलने के बाद भी ये लगातार डीएम, सीएमओ, जिला अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी से संपर्क में रहे। जैसे ये पता चला कि अब पीलीभीत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व बहेड़ी में ऑक्सीजन गैस की कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए वे दिल्ली से स्वयं लेकर आए हैं। इसलिए पिछले हफ्ते स्वयं आके हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 115 बड़े 80 लीटर के सिलेंडर देने का काम किया। मैं स्वयं आया, इसलिए मुझे लगा क्योंकि जवाबदेही फिर अधिकारियों का थोड़ा सा बढ़ने का काम करेगी। और आज हम बरेली ज़िले में हैं, वही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का। उम्मीद ये है कि अगले एक महीने में ये जो संक्रमण है, जो बहुत भयावह रूप लिया है, ये
काफ़ी हद तक इसका बोझ हल्का हो जाएगा देश के ऊपर। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में इस दौरान कितना कष्ट जनता का बांट सकते हैं, अपना परिवार समझ के कितना अपने से कर सकते हैं, ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत आवश्यक रहेंगी आगे, जब लोग तय करते हैं कि किसने जनता को परिवार समझा, अपना समझा, और किसने केवल एक मतदाता के रूप में उनको दिया। ऐसे देखा गया है कि लोग प्लीज़ अपना फ़ोन बंद कर दीजिए भैया, इतना तमीज़ आप लोगों को रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत जगह सिर्फ क्या कर रहे हैं, संसद और विधायक निधि से दे रहे हैं जो सही समय पर उपलब्ध नहीं। नहीं, ये नहीं, किसने प्रेरणा दी आपको कि खुद व्यक्तिगत तौर पर मदद करें? देखिए, अगर आप मेरा इतिहास जानते हैं, जो मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं, कि जब भी मैं मदद करता हूँ तो मैं स्वयं से ही करता हूँ, मैं कभी सांसद निधि से मदद नहीं करता। और वैसे भी सांसद निधि पिछले 2 साल से है ही नहीं देश में, तो करेंगे कहाँ से मदद। जो भी हम लोग मदद करते हैं हम अपने जेब से करते हैं। जब भगवान ने हम लोगों को सक्षम बनाया है और इन्हीं लोगों ने हम लोगों को खड़े रखने का काम इतने वर्षों तक किया है, आज हम इन लोगों को अपने परिवार से अलग कैसे समझ सकते हैं? अगर आज मेरी माँ भी कोरोना संक्रमित है, अगर आज मेरी माँ के ऊपर मैं सोचने लगूँगा कि ये खर्चा ज़्यादा करें कि कम करें, तो ये लोग मेरे माँ और मेरे बाबा ही तो हैं, और कौन है ये लोग? तो बात यही है कि अगर मैं अपने परिवार के ऊपर, मैं अपने बच्चे के ऊपर, मैं अपने बड़ों के ऊपर ये कभी नहीं सोच सकता कि हम लोग खर्च ज़्यादा करें, कम करें, हम ये करें, हम जितने भी हमारे प्राण हम लगा देंगे सब लोगों के लिए, तो अगर हम अपने परिवार के लिए ऐसा सोच सकते हैं तो ये भी तो हमारे परिवार ही तो हैं, ये परिवार से अलग थोड़ी हैं।